कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। ये हम सब इस बात से तो वाकिफ है कि माह रमज़ान में कुरान नाज़िल हुआ, लेकिन बाज़ अफराद मुसलमान होकर भी इस बात का इल्म नहीं रखते कि आखिर नज़ूल कुरान का मकसद क्या था, आखिर कुरान का असल मौजू है क्या। तो कुरान का मौजू है इंसान और इंसान की हिदायत। इस किताब ने अपना तारुफ ही हिदायत यानी हुदल नास के तौर पर कराया है, और खुश नसीब हैं हम लोग क्योंकि मुसलमान होकर हमें दुनियावी हालात में अगर हम किसी ऐसी मुश्किल में फंसे हो जिसका हल शायद ही दुनिया हमें दे सके, एक नुस्खा कीमिया मौजूद है हमारे पास। कुरान की तरफ ऐसी हालात में आप रुजू कर कर देखिए। हाँ, एक नज़ूल जो कुरान कॉन्फ्रेंस रखी थी, ये हम हर साल यहाँ मनाते हैं और इसमें तलबा तालिबात और स्कूल के जो यहाँ मुल्क का स्कूल है उनके लड़के यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसे कुरानी तालीम और कुरान की जो जागृति है वो लोगों तक पहुँच जाती है, और हमें पूरा यकीन है कि हमारे लड़के हमारे बच्चे और बच्चे कुरान के समझेंगे, कुरान पर अमल करेंगे, उससे न सिर्फ हमारा समाज हमारे घर बल्कि हमारी रियासत और बड़ी पूरी दुनिया जो है वो एक अमन और आशी की तरफ बन जाएगी।